हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या टेरिडोफाइट्स। तो ये है आपकी चैप्टर का रोड मैप किंगडम प्लेंटी का। एल्की ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स, जिस पर हमने एल्की पढ़ लिया, ब्रायोफाइट्स भी पढ़ लिया। अभी हमें क्या पढ़ना है? टेरिडोफाइट। ठीक है, तो हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में क्या क्या रहते हैं? हॉट स्टेल, क्या हॉट स्टेल्स एंड फर्न्स, क्या क्या रहते हैं? हॉट स्टेल्स एंड फर्न्स, हॉट स्टेल्स एंड फर्न्स। क्वेश्चन आ सकते हैं कि हॉट स्टेल्स बिलोंग्स टू व्हाट? टेरिडोफाइट्स ब्रायोफाइट यूनोसा जिसमें में से, या फिर फर्न्स बिलोंग्स टू व्हाट, ऐसे आ सकती है। देन यूज है टेरिडोफाइट्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं? मेडिकल मेडिसिनल पर्पोजेस, मेडिसिन बनाने के लिए यूज होते हैं। देन सॉयल सॉयल मिनरल्स, सॉयल मिनरल्स सॉयल को बाइंड करके रखने के लिए, ऑर्नामेंटल घर सजाने के लिए यूज होता है। ठीक है, देन और क्या है? इवोल्यूशनरीली, इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशनरीली दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट मतलब जो टेरिडोफाइट्स हैं वो सब सबसे पहले सॉयल में आने वाले प्लांट है। उससे पहले ज्यादातर प्लांट्स कहाँ पर रहते थे? पानी में। एल्गी तो सबसे पहले, अब यहाँ तो यहाँ पर देखो, इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखो देखो, एल्गी क्या कहाँ पर रहते थे? एल्गी पानी पर। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट कहाँ पर रहते थे? ब्रायोफाइट को एम्फीबिया कहा जाता था। एम्फीबिया, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब पानी और लैंड दोनों में, पानी और लैंड दोनों में। और टेरिडोफाइट अभी लैंड पे आ गए हैं। पानी पानी लैंड एंड लैंड लैंड लैंड, देख रहे हो ना एडवांस किस तरफ हो रहे हैं? पानी पानी लैंड देन लैंड लैंड लैंड, कितना मजे का चीज है। मतलब वह धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? वो एडवांस हो रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं। तो सबसे पहले लैंड में टेरेस्ट्रियल प्लांट सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? टेरिडोफाइट से। और उनमें है वास्कुलर, जो जाइलम एंड फ्लोएम, जो वास्कुलर बंडल्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम क्या करता है? पानी एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। वो सब कहाँ, मतलब फर्स्ट कहाँ पर आए? टेरिडोफाइट्स में। उससे पहले जाइलम एंड फ्लोएम नहीं थे, क्योंकि प्लांट बॉडी ही उतना बड़ा नहीं था, इतना डिफरेंशिएटेड नहीं था कि उसमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत हो खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जाइलम एंड फ्लोएम कहाँ पर आए? टेरिडोफाइट्स में। सबसे पहले प्लांट, जो प्लांट्स वहां पर आए, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो सॉयल पे आए, वो क्या है? टेरिडोफाइट्स। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है। देन ग्रो, वो लोग कहाँ पर ग्रो होते हैं? कोल एरिया में है, डैम्प में, शेडी प्लेसेस में। शेडी यानी जहाँ पर छाया मिलता है वहां पर। सम मे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोयल कंडीशन। टेरिडोफाइट सैंडी सोयल में भी मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि टेरिडोफाइट सैंडी सोयल में नहीं मिलते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग या राइट। तो क्या बोलेंगे आप? आपको अगर पढ़ेंगे तो ही बोलेंगे ना कि रॉन्ग है, क्योंकि वो सब मिलता है फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोयल। एंड ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, इसलिए तो बॉक्स में घुसाया गया है। अगर आप यहाँ पर एक ताला लगा देंगे तो और सिक्योर हो जाता है ये ताला। ताला बने है कि नहीं ये ताला? हाँ ताला, तो मतलब ताला लग रहा है क्या? नहीं, नहीं लग रहा है। ये क्या है? इन ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज क्या था? ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया आपने, आप बताइए। डोमिन खुद को बताइए, मुझे तो नहीं बता सकते, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो खुद को बताइए। झूठ मत बोलिए कि आपको आता है कि नहीं, तब पता चलेगा कि पहले वाला क्लास आपने अच्छी तरह पढ़ा सीखा के या नहीं। क्या? गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। इन ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। इन ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। इन टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। इन टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। अच्छी तरह लिखिए, पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आती है और उल्टा करके दे देगी, राइट और रॉन्ग बताइए। उल्टा रख करके पूरा सेंटेंस दे देगी उल्टा करके, कि इन इन ब्रायोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, ऐसे ऐसे कर देगी ऐसे। एंड इन टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जब पढ़ेंगे तब तो आएगा ना, जब नहीं पढ़ेंगे तब कहाँ से आएगा?
देन इन प्लान बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन टू, प्लान बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। अब देखिए धीरे धीरे एडवांस हो रहे धीरे धीरे से एडवांस हो रहे हैं। देखिए वो ब्राइन फाइंड में क्या थे, ब्राइन फाइंड में टू लीव्स टू प्लांट रूट्स लीव स्टेम नहीं थे, यहाँ पर आ गया आ गया आ गया, तू आ गई मेरी जिंदगी में आ गई। तो ब्राइट में जिंदगी में आ गई, क्या गई, टू रूट्स टू स्टेम टू लीव्स। अच्छा तो अभी हम पढ़ेंगे दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट, वन इज सिलाजिनेला। क्या सिलाजिनेला, SELA, क्या हो रहा है, SELAGI NELLA, क्या सिलाजिनेला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका आपको मेडिकल कॉलेज में ले जाएगी इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब सिलाजिनेला में होता क्या है, सिलाजिनेला में स्मॉल लीव्स रहते हैं, क्या रहते हैं, स्मॉल लीव्स, क्या रहते हैं, स्मॉल लीव्स, और इन स्मॉल लीव्स को कहा जाता है माइक्रोफाइल, क्या MICROPHYLLS, क्या माइक्रोफाइल। फिर से कहता हूं, सिलेजनेला में स्मॉल लीव्स रहते हैं, क्या रहते हैं, स्मॉल लीव्स, और इन स्मॉल लीव्स को कहा जाता है माइक्रोफाइल, क्या माइक्रोफाइल, और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फर्न, क्या फर्न, क्या फर्न। अब फर्न में लार्ज लीव्स रहते हैं, क्या लार्ज लीव्स, जिनको मैक्रोफाइल्स कहा जाता है, क्या लार्ज लीव्स रहते हैं, क्या, और ये लार्ज लीव्स को कहा जाता है मैक्रोफाइल, मैक्रो। क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोफाइल्स कहाँ मिलते हैं, मैक्रोफाइल्स कहाँ मिलते हैं, मैक्रोफाइल्स इज प्रेजेंट ऑन, क्वेश्चन ऐसे दे सकती है क्रॉस करके कि मैक्रोफाइल्स आर प्रेजेंट ऑन सिलाजिनेला एंड माइक्रोफाइल्स प्रेजेंट ऑन फंड्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये रॉन्ग है, क्योंकि फंड्स में मैक्रोफाइल्स रहते हैं, मैक्रो यानी मैक्रो का मीन्स क्या है, मैक्रो यानी लार्ज, मैक्रो यानी लार्ज एंड माइक्रो यानी स्मॉल वन, माइक्रो यानी स्मॉल, स्मॉल लीव्स रहते हैं कहाँ पर, सिलाजिलेना में, और फंड्स में मैक्रोफाइल्स रहते हैं। अब टेरिडोफाइट्स में ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, एक स्पोरोफाइट रहता है, क्या एक स्पोरोफाइट, मान लीजिए ये क्या है, ये एक स्पोरोफाइट है, क्या है, ये एक स्पोरोफाइट है, और क्या है, ये स्पोरोफाइट, SPORO स्पोरोफाइट, PHYTE, क्या है, ये स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट के ऊपर क्या रहते हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिनको कहा जाता है स्पोरोफाइल्स, स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइल, स्पोरोफाइट के ऊपर ऐसे कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अच्छा
बुलाते ही शुरू कर दी। गेम साम टेरिडोफाइट क्या होता है, मतलब साम नहीं, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में एक स्पोरोफाइट रहता है। मान लीजिए ये है एक स्पोरोफाइट, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये एक स्पोरोफाइट है। ये है स्पोरोफाइट, क्या है ये है स्पोरोफाइट, अच्छी से देखिए स्पोरोफाइट। स्पोरो SPOR स्पोरोफाइट PHYTE स्पोरोफाइट है ये, क्या स्पोरोफाइट। और उसके ऊपर लीफ लाइक अपेंडेजेस रहते हैं, क्या लीफ लाइक अपेंडेजेस, क्या लीफ नहीं है बट लीफ लाइक अपेंडेजेस, क्या लीफ लाइक अपेंडेजेस, APPENDAGES, लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिनको कहा जाता है स्पोरोफाइल्स, क्या स्पोरोफाइल्स। कॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफाइल्स, SPOR स्पोरोफाइल्स, PHYLLS स्पोरोफाइल्स। और ये क्या है, यह है स्पोरोफाइट और यह है स्पोरोफाइल्स, ध्यान से देखिए स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइल्स। अब क्या होता है, इन स्पोरोफाइल्स के ऊपर स्पोरांजिया और एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कहा जाता है स्पोरांजिया, ठीक है। ये जो स्पोरोफाइल्स है इसके ऊपर और कुछ स्ट्रक्चर बनती है जैसे, उसको कहा जाता है क्या, स्पोरांजिया, SPORENGIA स्पोरांजिया। ध्यान से देखिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में, उस टेरिडोफाइट के ऊपर, उस टेरिडो सॉरी उस स्पोरोफाइट के ऊपर एक लीफ लाइक अपेंडेज रहते हैं जिनको कहा जाता है स्पोरोफाइल, और स्पोरोफाइल्स के ऊपर और कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनको कहा जाता है स्पोरांजिया। और स्पोरांजिया में क्या होता है, स्पोरांजिया में मियोसिस होता है, और मियोसिस होने के बाद स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। स्पोरांजिया में कुछ सेल्स रहते हैं जिनको कहा जाता है स्पोर मदर सेल, क्या स्पोर मदर सेल। ये सब क्या है, स्पोर मदर सेल, इनको कहा जाता है क्या, स्पोर मदर सेल, ठीक है। और इन स्पोर मदर सेल में क्या होता है, क्या मियोसिस। स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस, मियोसिस होता है, मियोसिस की और एक नाम रिडक्शन डिविजन। और मियोसिस होने के बाद क्या बनते हैं, स्पोर्स, क्या स्पोर्स, स्पोर्स क्या हो, क्या होते हैं, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, हैप्लॉयड। फिर से देखिए सीक्वेंस, टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है जिसको कहा जाता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है स्पोरोफाइल्स, स्पोरोफाइल्स में रहता है स्पोरांजिया, स्पोरांजिया के अंदर रहता है स्पोर फॉर मदर सेल, स्पोर फॉर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के कारण बनते हैं स्पोर्स इनसाइड स्पोरांजिया। अब स्पोर कहाँ पर बनते हैं, स्पोरांजिया के अंदर, स्पोर कहाँ पर बनते हैं, स्पोरांजिया के अंदर, और स्पोर क्या रहते हैं, हैप्लॉइड। अच्छा यहाँ पर दो एग्जाम्पल ऐसे दिया हुआ है आपकी बुक में जिनमें थोड़ा डिफरेंस है, क्या क्या, सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम, क्या सिलाजिनेला एंड इक्विसेटम, दो एग्जाम्पल
एक है सिलाजिनेला, SCLA GI NELLA, सिला जिनेला एंड इक्विसिटम क्या? इक्विसिटम EQUISETUM इक्विसिटम, इन दोनों में क्या होता है? थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं। ये जो स्पोरंजिया है, जो स्पोरोफाइल्स है, उसपे क्या बनते हैं? स्ट्रॉबिली, स्ट्रॉबिली और कोन, कोन बनते हैं। क्या बनते हैं? स्ट्रॉबिली और कोन। स्पोरंजिया की जगह में क्या बनते हैं? स्ट्रॉबिली और कोन, बिल्कुल ऐसे ही। ये क्या है? ये स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ लीफ लाइक अपेंडेजेस बनते हैं, जिनको कहा जाता है क्या? स्पोरोफाइल्स। स्पोरोफाइल्स के ऊपर क्या बनते हैं? स्ट्रॉबिली और कोन। क्या? स्ट्रॉबिली, स्ट्रॉबिली और कोन। क्या बनते हैं? स्ट्रॉबिली और कोन। और इन स्ट्रॉबिली और कोन के अंदर क्या होता है? मियोसिस। स्ट्रॉबिली और कोन के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, और उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अच्छी तरह देखिए कि इन दोनों में मैं यहाँ पर एक बॉर्डर बना देता हूँ। ये जो दो है, सिलाजेनेला एंड इंक्विसिटम, इन दोनों में एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है, जिसको कहा जाता है स्ट्रॉबिली और कोन। क्या? स्ट्रॉबिली और कोन। एंड स्ट्रॉबिली और कोन के अंदर ये क्या है? ये है स्पोरोफाइट। ये क्या है? ये है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये क्या है? ये स्पोरांजिया। सिर्फ लिखता हूँ, ये स्पोरोफाइल, सॉरी, ये क्या है? स्पोरोफाइल्स। ठीक है, ये स्पोरोफाइट, बिल्कुल इसकी तरह, और ये है स्पोरोफाइल्स, बिल्कुल इसकी तरह। एंड उसके ऊपर जो स्पोरांजिया है, उसके जगह में क्या है? स्ट्रॉबिली और कोन, और स्ट्रॉबिली और कोन के अंदर मियोसिस होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन आगे क्या है? स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म गेमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाती है? गेमेटोफाइट। और इस गेमेटोफाइट को कहा जाता है प्रोथेलस। जो स्पोर बनती है ना, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होके, वो स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होके क्या बनती है? गेमेटोफाइट। और ये गेमेटोफाइट को क्या कहा जाता है? प्रोथेलस कहा जाता है। और ये जो गेमेटोफाइट है, जिसको प्रोथेलस कहा जाता है, ये क्या होता है? ये फ्री लिविंग होता है, मतलब और किसी की जरूरत नहीं है वो उसको जीने के लिए। ठीक है, फ्री लिविंग होता है। और फ्री लिविंग होता है मतलब फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद बनाता है। थैलोइड होता है, क्या होता है? थैलोइड। और स्मॉल होता है, स्मॉल, और इसके लिए क्या होता है? इनकॉन्स्पिशियस, मीन्स अच्छे से दिखाई नहीं देता है। देन क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है? फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, थैलॉयड, इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड टेरिडोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स को भी वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, इन ब्रायोफाइट स्टेरिफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट रिक्वायर्स वाटर। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इस लाइन से भी क्वेश्चन आ गया, तो आप क्वेश्चन कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है।